हाँ तो भाई, आज खेला जाने वाला है इंडिया और बांग्लादेश का मैच, जो कि बिल्कुल वन साइडेड मैच होने वाला है। और इतिहास गवाह है कि वन साइडेड मैच में जितना विनिंग हो जाता है उतना टक्कर के मैचों में विनिंग नहीं होता है, दुनिया जानता है। जो जीएल वाकई में खेलता होगा दिमाग से, है ना, जो एकदम रणभूमि में घूम रहा है ऐसे, तो उसका बात ही अलग, कहीं से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्ड को समझिए कि क्या है भाई, वन साइडेड मैच में विनिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। अब आज बता देना चाहता हूँ, देखिए बांग्लादेश प्लेयर भले मतलब कमजोर है ऐसे ऐसे जो भी है, मगर कम से कम 3 से 4 प्लेयर आपको रखने ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और रखने भी होंगे तो बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, ठीक है, ये तीनों को मिक्स करके रखना है। अब वो तीनों कौन, ये चारों मतलब ये तीनों में से कौन ऐसे 4 बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर मिला के होंगे, उसके बारे में देखिए आपको जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग जानेंगे कैसे, डाटा के फैक्ट पर। ठीक है, चलिए वीडियो के यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए इंडिया और बांग्लादेश का ये मैच है, 47 नंबर का ये मैच है वर्ल्ड कप का, और ये एंटीगुआ 22 जून 8 PM ये मैच देखिए खेला जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। भाई एक लाइक तो बिल्कुल बनता है ना, चलिए टांटन मार दीजिए। बाकी आज का मैच देखिए कौन जीतने वाला, आज तो मतलब कमेंट भरपूर आने वाले, मुझे पता है ना, जो नहीं करना वो आज करेगा, होना भी चाहिए। भाई अपना नाम शान आन बान शान सब है यहाँ पर, है ना, उसका कमेंट में नाम नहीं लिखेंगे किसका लिखेंगे भाई, हैं, लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से, यार क्या झंडा अपना ना, क्या खूबसूरत है यार, दिल खुश हो जाता है देख करके अपना झंडा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए हम लोग जो भी आज सीखेंगे या जानेंगे या जिसके ऊपर टीम लगाएंगे, उन सब का एक छोटा सा समरी समझिए क्या है, मैच का डिटेल्स जानने वाले इस वीडियो में हम लोग, पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट, स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस, टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स, प्लेयर बैटल, और इसकी जीएल प्लेयर जीएल एसएल टीम आपको साथ में इस वीडियो में मिल जाने वाला है ना, टोटल चीज़ इसी वीडियो में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ और ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी जो कहीं आप खोज भी नहीं पाएंगे और ना मिल पाएगा ना कोई दे पाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है भाई। मेहनत आपको मतलब जो है ना, ये मेहनत करने पे मोटिवेट कौन करता है, ये आपका लाइक, ये आपका प्यार, ये आपका कमेंट, यही है बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हम पूरा दिन जी जान लगाते हैं भाई। देखिए ये फेक टेलीग्राम से थोड़ा सा बच कर रहिए, ये लोग प्राइम टीम बेच रहे हैं हमारा नाम इस्तेमाल करके, हमारा फोटो इस्तेमाल करके, तो इन सब के चक्कर में थोड़ा सा मत पड़िएगा। कोई भी हमारे नाम से आपसे पैसे मांगे, बिल्कुल आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी है ना, ये फ्री जीएल एसएल टीम जो भी चीज़ होता है, हम देखिए हर कुछ काम, कोई भी ऐसा काम ऑनलाइन हम आपके लिए पेड नहीं रखे हैं, सब कुछ फ्री है। ठीक है, एकदम क्या है, फ्रीडम पीपल की तरह है, यही तो एक चीज़ है जो अलग बनाता है अपने को। ठीक है, और देखिए ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर टीम जाती है, कभी विन कभी लॉस होता है इसमें, क्योंकि हम भी एक इंसान है ना, हमसे भी गलतियाँ होती है। तो यार मैं बोलना चाहूँगा आज का जो मैच है काफ़ी अच्छा वन साइडेड मैच जाने वाला है, इसलिए मैं बोलूँगा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे करना है, देखिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पहले नंबर तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो यूनिक कॉन्टेंट मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। प्लस में ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं होता है यहाँ पर, अगर चार्ज कोई मांग रहा है तो आपको नहीं देना, क्योंकि हम कभी पैसे लेते ही नहीं आपसे। ज्वाइन करने का तरीका इस मोर पे क्लिक करिए, आप जस्ट मोर दिखाई देता होगा, क्योंकि और लोग अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कहाँ पहुँचा रहा है पता नहीं चल पा रहा है ना, कोई पैसा ले रहा था, कोई कार कर रहा है, कोई टीमें दे रहा है, तो भाई यहाँ पर रोज टीम जाती है। इस जगह पे आप क्लिक करिए, मोर दिख रहा है आपको, जंगल का मोर नहीं है, लिखा हुआ मोर है मेरे भाई, वहाँ क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, ठीक है, दिखा है ना, ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी, उस पर क्लिक करिए, ये ज्वाइन बटन है यहाँ पर आके क्लिक कर लीजिए, हमारे साथ आप क्या ज्वाइन हो जाएंगे, हम जो टीम से खेलेंगे वो टीम आपको हम कल देंगे, और कल विनिंग फिक्स है, याद रखिएगा कल, है ना, मज़ा आ जाएगा कल के मैच में। क्यों आ जाएगा मज़ा, क्योंकि पिच रिपोर्ट देखिए, लोग जो है ना अंधाधुन, मतलब मैं बोला नहीं है, अगर 4 प्लेयर लेंगे उधर से तभी मज़ा आएगा, मगर लोग इंडिया से अंधाधुन लेने वाले, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई वन साइडेड पूरा है ना, वन साइडेड उठा के ले जाए, ऐसा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से 120 से 140 यहाँ का एवरेज है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर खेल पाना, चाहे कोई भी हो इतना आसान नहीं है खेल पाना। ठीक है, 194 पे 4 यहाँ पर हाईएस्ट है, 47 रन पे 10 विकेट यहाँ पर लोएस्ट है। उसके बाद लास्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का हुआ था, जो कि 21 जून 2024 को हुआ था, जो कि इसके बारे में बात करेंगे हम आगे कैसे कैसे क्या हुआ था इसमें। सूटेबल फॉर बात करें, स्लो बैटिंग सरफेस है, मैं बोला ना स्लो बैटिंग सरफेस है यहाँ पर, थोड़ा सा मुश्किल है ना, बॉलर्स पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, बॉलर्स के नाम पे तो अपना मतलब वीडियो धड़ल्ले से चलता है भाई, क्योंकि बॉलर्स का जो डाटा यहाँ मिल जाता है ना वो कहीं मिलने वाला नहीं है, सच्चाई से बताइए, कमेंट भी लिख सकते हैं आप, ये लिखने के लायक है चीज़, लोगों को बताइए, है ना। उसके बाद पेसर्स गेट मोर हेल्प, पेसर्स को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, बैटिंग टू एंड इफेक्टिव थोड़ा सा रहता है यहाँ पर,
छह मैचों की बात करें तो 21 विकेट स्पिन को मिले, 38 विकेट देखें यहाँ पर पेसर्स को मिले हुए हैं। फर्स्ट इनिंग में रन की बात करें 140 पे 8 है, 100 पे 2 है, ठीक है, 194 पे 4 है, 176 पे 6 है, 122 पे 5 है, तो 84 पे 3 है। ऐसा करके फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में रन बन पाता है। यहाँ पर वेन्यू T20 स्टैटिक्स के बारे में समझ लें कि कैसा यहाँ पर होता है। ये तो मान लीजिए 4 मैच के हो, टोटल 12 मैच देखिए यहाँ पर हो चुका है। 12 मैच में हुआ है भाई, बैटिंग फर्स्ट वाला 6 बार जीत गया, तो सेकेंड वाला भी 6 बार यहाँ पर जीत चुका है, जिसमें बिलो स्कोर 150 से नीचे, 150 से नीचे देखिए 8 बार रन बना हुआ, मजाक नहीं है। अगर 12 बार के मैचों में 8 बार अगर नीचे ही बन जाए रन 150 से, तो मजाक वाली चीज़ नहीं बोलेंगे इसको। अब कौन कौन टीम बनाया वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है, देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। ये नहीं कि झंडू मंडू टीम ही सिर्फ ऐसा खेला है, अच्छे अच्छे टीम भी खेले यहाँ पर। उसके बाद देखिए 150 से 169 दो बार, 170 से 189 एक बार, 190 से ऊपर देखिए सिर्फ एक बार रन बना हुआ। तो आज का मैच में क्या रन बन सकता है जरूर कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए, इसमें रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू जिसके बारे में बात कर रहा था कि अच्छे अच्छे टीम भी यहाँ पर खेले हैं भाई, इंग्लैंड से टीम भी खेला हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आप देख सकते हैं 21 जून 2024 को मैच हुआ है, बांग्लादेश जो है कि जिसके साथ अभी मैच इंडिया का होने वाला, जो कि बांग्लादेश जब बैटिंग की आई है 21 जून 2024 को, तो देखिए 140 पे 8 है, 20 ओवर खेल चुका है। ऑस्ट्रेलिया 100, 2 विकेट, 11.2 ओवर, ठीक है, DLS मेथड से हो गया होगा, ओके। इसमें देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 5 है, स्पिन को 3 यहाँ पर मिला हुआ है, सेकेंड इनिंग में पेस को 0 है, स्पिन को 2 मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इस टाइप से आप ये भी देख सकते हैं 15 जून 2024 को इंग्लैंड और नामिया का मैच हुआ था, इसमें भी आप इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है भाई, 19 जून 2024 का ये है, ठीक है ना, ये है 14 जून 2024 का। इसमें पेस और स्पिन का आपको दिखाई देता होगा कि पेस को हमेशा से विकेट अच्छे मिले हैं, ठीक है, अगर स्पिन से मुकाबले करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये चारों मैच में आप मिला के देख सकते हैं पेस को एक अच्छा मतलब इफेक्ट यहाँ पर आता है पेस के लिए, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो टोटल मैच देखिए यहाँ पर 13 हो चुका है। इंडिया जो कि 12 बार मैच को जीता हुआ, ठीक है, बांग्लादेश एक बार यहाँ पर मैच को जीता है, तो भाई जब बहुत सारा चांसेस है कि फिर से इंडिया ही अपनी टीम मैच जीतने वाली है, चांसेस का मेरे हिसाब से 99% ही बोल सकते हैं, 1-2% हो सकता है कहीं से ढीला पड़ा हमारा बैट्समैन तब गया, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन के हिसाब से भी हम देख के टीम बनाएंगे, वो सिचुएशन अगर हुआ तो फिर तो टीम रैंक वन आने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तब, हालांकि मुश्किल है, मैं बोला ना 1% है, मगर हो सकता है क्योंकि क्रिकेट है ये, है ना। एक बार अगर इंडिया अपना हारा है तो बांग्लादेश हराया है भाई ओके और पिच भी अजीब टाइप का है, और मान लो हमारा मेन खिलाड़ी ना चला तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो जिसके हिसाब से हम जो टीम बनाएंगे एक तो बांग्लादेश की तरफ भी, वो टीम हमारी बहुत अच्छी रैंक कर जाएगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगेगा। इससे पहले क्या है ना, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का मैच कौन जीत सकता है। अब जो हमारा सबसे यूनिक चीज़ है हमारे वीडियो को, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, 6 मैचों की बात मैं कर रहा हूँ, 6 मैच में राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट में जैसे बुमराह भी आ जाता है, ठीक है ना, इनको देखिए 15 विकेट मिला हुआ है 6 मैचों में। राइट आर्म फास्ट मीडियम को 10 विकेट है, राइट आर्म मीडियम को 5 विकेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को यहाँ पर 7 विकेट है। लेग ब्रेक नाम के बॉलर को, मतलब कि कौन है लेग ब्रेक, LB, 11 विकेट है इसमें। चाइना मैन मतलब कुलदीप जैसा है ना, इनको 1 विकेट मिला हुआ। ऑर्थोडॉक्स मतलब वही कौन है ये, अरे ये है यार क्या नाम है यार, अरे ये यार कुल यार अक्षर पटेल ऑफ ब्रेक 2 विकेट मिला हुआ है। तो मिला जुला के देखिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाना चाहते हैं, देखिए ये राइट आर्म फास्ट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट ले जा सकते हैं, और लेग ब्रेक को लेके जा सकते हैं, बाकी इन सबको भी लेके चलना ऐसा नहीं है, मगर मौके के हिसाब से लेके चलेंगे, ऐसे नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं कैसे मौका बनता है। उससे पहले देखिए एक और मौका आपके सामने है, प्रेडिक्टर लीग खेलने का, जिसका 10x मतलब 10 गुना आप तक मल्टीप्लाई करो और अपने रिटर्न्स बुक करो भाई, 10 गुना रिटर्न्स, समझ सकते हैं आप। 1 रुपये अगर लगाते हैं कहीं पर इसमें, तो आपको 10 रुपये मिलने के चांसेस हैं, तो ये 10 गुना हो जाता है। अगर आप इसमें 1000 लगाते हैं तो सीधा 10 गुना करके यहाँ पर सीधा 10,000 हो जाता है, ये सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है स्पोर्ट्स बाजी का, जाइए और डाउनलोड करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए है क्या चीज़। ये नया लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले का, ठीक है। तो मज़ा इसमें इस बात का है कि देखिए यहाँ पर 10 रुपये लगा करके यहाँ पर अगर 2x है तो आप कितना कमा सकते हैं, 20 रुपये, जो कि इसमें कितना लोगों को मिलेगा, 45% लोगों को मिलेगा, मतलब विनिंग कन्फर्मेंस हो सकते हैं आप, ठीक है ना। 50 रुपये लगा करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 4x कमा सकते हैं, 22% लोगों को मिलेगा यहाँ पर। 500 लगा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाख तक मतलब मेगा लीग में जा सकते हैं, इसमें भी मेगा लीग चलता है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है,
168 विनर्स इसमें आएंगे, तो बहुत कमाल का चीज़ है। 550 में दो स्पॉट्स दो लोग के लिए जो होता है ना, इसमें 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये सब बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। सिर्फ सवाल का जवाब दे दे करके आपको पैसा कमाना, सोच सकते हैं। इसमें ना कैप्टन का डर है आपको, ना वाइस कैप्टन का डर है, ना दो एक खिलाड़ी फ्लॉप होने का डर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ आपको जवाब देना है और पैसा कमा लेना, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के चेकआउट कीजिए। उसके बाद देखिए पॉसिबल लाइनअप आप देख पा रहे हैं, इंडिया का पॉसिबल लाइनअप है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके खेलने आएंगे। अगर बैट्समैन की देखा जाए तो तादाद भाई यहाँ तक ले है, यहाँ तक लोग अच्छी खासी बैटिंग कर पाते हैं। लगभग मैं ये सब भी कर लेते हैं, मगर यहाँ तक तो मान ही लेके चलिए कि हाँ यहाँ तक है, क्योंकि ऑलराउंडर यहाँ तक फिक्स है इनके पास यार। तीन तीन चार चार ऑलराउंडर, ये भी ऑलराउंडर है, कभी कभार बॉलिंग ये भी कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ तक भी अच्छा खासा एक मतलब मिल जाता है। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो देखिए 155 मैच खेल चुके हैं, 4050 रन है, 32 के एवरेज इनके पास है, 53% लोग टीम में लिया हुआ है। हेड टू हेड बात करें तो 38 के एवरेज इनके पास है। हेड टू हेड मतलब बांग्लादेश के साथ अच्छा खेल पाते हैं, बाकी ग्राउंड पे नोट प्लेट अभी तक खेले नहीं। हाँ बांग्लादेश खेला है ग्राउंड पे, ठीक है ना। 8 3 13 52 121 नबाद रोहित का, बाकी यहाँ पर 34 और 43 ये फर्स्ट इनिंग, ये सेकंड इनिंग, मतलब 43 सेकंड इनिंग थोड़ा सा रोहित के लिए और भी अच्छा रहता है। विराट कोहली की बात की जाए तो 49 है और 96.50 का नबाद एवरेज है भाई। बांग्लादेश के साथ में क्या ही होगा पता ना, देखने वाली बात होगी। बाकी एट ग्राउंड पर नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म तो मतलब 24 ये थोड़ा सा बना पाए थे, बाकी ये चारों मैच तो बिल्कुल रद्दी गया था विराट कोहली के लिए, इसलिए आपको 56% यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट भी दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि करियर विराट का खत्म हो गया लग रहा है ना, मगर यहाँ ये बांग्लादेश है, थोड़ा सा करियर बन सकता है यहाँ पर। मगर उससे पहले ये देख लीजिएगा, पहले लेने से पहले जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आगे, कि कौन बॉलिंग करेगा इनके सामने और इनको कौन आउट करता है, ये सब कुछ अपने वीडियो में आगे बस बढ़ते जाइए आप, ठीक है। बाकी अभी के लिए दोनों को लेना है अपने टीम में। उसके बाद यहाँ देखें ऋषभ पंत, पंत की बात करें तो देखिए पंत पर एकदम टाइट है, फिर से भाई साहब देख सकते हो 23 का एवरेज इनके पास है टोटल, और उसके बाद 13 का एवरेज है हेड टू हेड में, सोच सकते हैं आप। और सिलेक्शन 97%, कमाल की बात है। पंत के लिए तो मैं एक बार गच्चा खा सकता हूँ चाहे जो हो जाए, क्योंकि यार 97% लोगों का लेना मतलब जान रहे क्या होता है इसमें। अगर 1 करोड़ लोग आपके साथ खेल रहे हैं, ग्रैंडली की बात कर रहा हूँ मैं, 1 करोड़ में 97 लाख लोग एकदम फ्लॉप हो जाएंगे। अगर मान लो पंत कल फ्लॉप हो गया तो, और फ्लॉप हुआ तो अगर हम लोग नहीं लिए हैं तो क्या होगा फिर, यहाँ पर 3% लोगों मतलब 3 लाख लोगों में सिर्फ हम लोग का टक्कर होगा। आप सोचिए 97 लाख लोग बिना बाहर हो गए, तो कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर रिस्क लिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जीएल खेल रहे हैं आप तब, एसएल के तो भाई अलग ही सिस्टम होता है उसका, फिक्स पर खिलाड़ी चाहिए उसमें, ठीक है। एक बंदा इस पर रिस्क लिया जा सकता है, अगर उस साइड से अच्छा ना मिला तो कोई तब, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, यादव जी का देखिए 82% सिलेक्शन परसेंट है, बाकी T20 में 45 के एवरेज होता है। हेड टू हेड में एक ही मैच खेले, 30 के एवरेज है, ग्राउंड पर ना खेले हैं। 53-50 ने बाद मतलब लगातार दो पारियों में अर्धशतक मारते हुए आ रहे हैं, फिर यहाँ पर 7, फिर 2, फिर 100 यहाँ पर, तो सूर्या का फिर से मतलब बल्ला चमक सकता है। हालांकि इतना रन तो नहीं बनेगा, मगर 20-30 रन मान सकते हैं कि यहाँ पर बन सकता है, इस ग्राउंड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी कवायद तो है इसमें कोई शक ही नहीं है, ग्राउंड के हिसाब से ये रन निकल के आ सकते हैं। मगर ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो पंत भी एक तरफ से अगर मान लो एक आध उठे कैच पकड़ लिए तो उतना पॉइंट दे सकते हैं जितना बैट्समैन आज के दिन दे सकता है ना, तो थोड़ा सा बनता है, इसलिए लोग 97% लिया भी सब, मगर थोड़ा सा चक्रव्यूह तो रचना पड़ेगा, है ना। रचूंगा, हालांकि मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी लूंगा, आपको भी दूंगा टेलीग्राम पर, मगर क्या है कि मल्टीपल टीम के द्वारा जब मैं टीम बनाऊंगा ना तो उसमें एक में आपको पंत नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसा हम बना के लेके चलेंगे। और भी टीम आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, इसलिए अपडेटेड रहिएगा टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, फ्री ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे अदर का करके रखे हैं वैसे ये भी रख लीजिए आप, ठीक है। कल आपको मजा आएगा ज्वाइन करने का, फायदा आपको कल मिलने वाला है। शिवम दुबे, दुबे जी की बात कर देखा 8% इनका सिलेक्शन परसेंट है, बाकी 4 मैच में ओनली 10 रन ही बना पाए, मगर 3 विकेट साथ में लिए हैं ये। बाकी रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप दुबे को यहाँ पर ड्रॉप दे सकते हैं, क्योंकि हम लगातार 4 बैट्समैन को लेकर चले ऊपर से, अगर चारों खेलेंगे तो मेरे हिसाब से 120-150 या 150 रन मान लीजिए, वहाँ तक ज़्यादा पूरा ओवर खत्म हो जाए, क्योंकि पिच स्लो है यहाँ का, ठीक है, उतना जल्दी मार नहीं पाएगा आदमी। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 95% इनको भी लिया है सब, यह राइट आर्म मीडियम फास्ट है ये, ठीक है ना। 4 मैचों में 5 विकेट इनके पास है, 32 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, क्या कमाल का हार्दिक यार परफॉर्मेंस रहा ये वाला, है ना। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ढीला, यहाँ पर कैरेक्टर ढीला है। 96 मैच में 80 विकेट से विकेट टेकर तो ना बोला जाएगा, मगर फिर भी मिला जुला के ओवरऑल
एक बेहतरीन ऑलराउंडर अगर मान लो टाटा फिश हमारा बैट्समैन हुआ भी 10 रन 15 रन 20 रन बना करके ये चारों बैट्समैन, तो ये अगर कुछ पारी संभाल सकते हैं प्लस में बॉलिंग भी करके निकाल के दे सकते हैं, मगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग इनको ज़्यादा भाता है बांग्लादेश के साथ में। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बांग्लादेश आराम से खेल पाता है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसलिए सेकेंड में हार्दिक को ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर अक्षर पटेल की नंबर आती है, तो भाई एक मैच में 7 रन है और इनको विकेट देखिए बांग्लादेश के साथ नहीं मिलता है, या एक ही मैच हुआ है तो क्या ही उतना बोल सकते कि मिलता है कि नहीं मिलता है, मगर नहीं मिला है अभी एक मैच में, ठीक है। बाकी 1-1-1-1-2 68% और टीम मिली है, हर दिन कुछ ना कुछ विकेट इनको मिला है, तो एक बार अक्षर पटेल को भी एक बार ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इस बार करते हैं ड्रॉप, एक एक विकेट है, चलो हटा ध्यान दे यार ध्यान दे। यहाँ पर देखते हैं रविंद्र जडेजा बेचारा खाता खुला कम से कम पिछले मैच में, है ना, 4 मैच में 12 रन और 3 विकेट इनको साथ में मिला था, 23% लोग टीम में लिया, तो जड्डू को मैं टीम में लेकर चलने वाला हूँ एक बार फिर से मैं, जैसे पिछला बार चलो एक ही विकेट से मेरा खाता खुला था, इसलिए जड्डू को फिर से मैं ले रहा हूँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, ठीक है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, बुमराह की बात करें तो बुमराह 3 मैचों में देख रहे थे यहाँ पर 2 विकेट राइट आर्म फास्ट, मतलब बांग्लादेशी को थोड़ा सा आउट करने में मुशक्कत करना पड़ता है इनको, 6.5 का इकोनॉमी, ये सबसे बेस्ट है बुमराह का, ये मजा आता है देख करके भाई, 1 ओवर में 6.5, बाकी 96% लोग लिया सब 2-3-0-3 ऐसा करके इनका चल रहा है। राइट आर्म फास्ट को अच्छा एक विकेट मिल सकता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ग्राउंड उस टाइप का है, बोला मैंने ग्राउंड के हिसाब से सब होता है, यहाँ पर बुमराह का 0 गए तो ग्राउंड के हिसाब से गए हैं समझे, उस समय राइट आर्म फास्ट का शायद 4-5 विकेट मिला था, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम का अच्छा विकेट मिला था उस दिन, देखिएगा यहाँ पर अर्शदीप का अच्छा होगा नंबर, है ना, लेफ्ट आर्म फास्ट जो भी होगा उनका अच्छा होगा नंबर, तो उस दिन ऐसा हुआ था, मगर आज ग्राउंड के हिसाब से बुमराह को लेके चलना चाहिए, भले 96% है फिर भी हम भी उसी में लेके चलेंगे, क्योंकि पिच इनके साथ है, मगर बैट्समैन के साथ पिच का वो मामला नहीं होता, क्योंकि जान ही रहे पंत एक बैट्समैन है और प्लस में पिच स्लो है तो मुश्किल हो सकता है, एक बॉल काफ़ी है पंत के विकेट्स को उड़ाने के लिए, है ना, मगर इनके पास क्या अभी 4 ओवर फेंकेंगे तो 24 बॉल इनके पास है, इनके साथ पिच भी है तो एक अच्छा मौका बनता है, इसलिए लेके चलना, प्लस में सीबीसी भी एक बार को ट्राई किया जा सकता है जसप्रीत बुमराह। उसके बाद कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइना मैन, कोई ऐसा डाटा अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के साथ खेले ही नहीं अभी T20, 34% लोग टीम में लिया सब, इनका भी 6.5 का देखिए इकोनॉमी है, 36 मैचों में ही 61 विकेट है, तो दर्शाता है कुलदीप क्या चीज़ है T20 में, 2-1-5-1-0 यार 5 कौन विकेट लेता है यार, मतलब यार आधा टीम कैसे खत्म कर दे यार, ऐसा कहा है यार, अरे खेलने गए भाई कौन सा बदला लेने गए, कल मत लिया बदला ऐसा बांग्लादेश से, ठीक ना, कल आराम से खेलिए, चलिए अभी कुलदीप के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि ये चाइना मैन है ना, चाइना मैन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको डाटा अपने पास है नहीं, और जब कुलदीप का कभी डिसाइड हो सकता है जब पिच का टॉस होगा ना, पिच में थोड़ा बड़ा घास है कि नहीं है, दरारें हैं कि नहीं है, उसके बाद फिर कुलदीप का ट्राई किया जा सकता है, ठीक है ना, और पिच देखने के बाद अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद आता है अर्शदीप का नंबर, ठीक है ना, अर्शदीप का भी देखें उस दिन में बोला था ना कि 4 विकेट मिला ना लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को, जाके देखिएगा पिछला मैच उस दिन लेफ्ट आर्म को वहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलना है तो 4 विकेट मिला था, मगर आज लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट को कितना था यार, दिमागे से निकल गया साला, हालांकि ओवरऑल देखे हेड टू हेड तो बहुत अच्छी बात है, 48 में 72 विकेट ये भी बहुत अच्छी बात है, बस इकॉन में थोड़ा सा बड़ा होता है कोई दिक्कत नहीं, 89% और टीम में लिया सब, एक में 1 विकेट है फर्स्ट इनिंग में और यहाँ पर 1 में 2 विकेट सेकेंड इनिंग में अच्छा 1 विकेट मिलता है, मतलब बांग्लादेशी लोग सेकेंड इनिंग में आग बका जाता है सब, फर्स्ट इनिंग में तनी मनी जो भी टुक टक कर लेगा सब, मगर सेकेंड में आग बका के सब आउट हो जाएगा, समस्या इस बात का, इसीलिए सेकंड में ज़्यादा बांग्लादेश का विकेट गिर रहा है और हमारे इंडियन बॉलर लेकर जा रहे हैं विकेट, ठीक है ना, तो बात सवाल अर्शदीप का है तो देख लीजिए कितना विकेट अर्शदीप को लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में मिल रहा है यहाँ पर इस ग्राउंड पे, अगर ना मिल रहा है विकेट कम मिल रहा है तो आप इनको छोड़ के चाइना मैन को भी ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल आँख बंद करके, ठीक है ना, मगर अगर मिल रहा है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को भी, क्योंकि मेरे को याद नहीं है अभी समझे आगे क्या था, आगे भगा के देख लीजिएगा पीछे करके आप उसमें क्या था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो नहीं है तो फिर यहाँ पर अर्शदीप को ट्राई आपको करना है, ओके चलिए आगे अगर चले यहाँ पर तो देख सकते हैं ये बेंच प्लेयर्स हैं, बेंच प्लेयर्स में भी अच्छे अच्छे भाई संजू है, जैसे वाल है, यूजी है, मोहम्मद सिराज है, सिराज का तो मतलब थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस डाउन है, बाकी इन लोगों को तो आना चाहिए किसी एक को, मगर नहीं आएगा कोई अभी, जो है वही परफेक्ट रहने वाला है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, मतलब कि ये स्टार्ट ओवर है ये डेथ ओवर है, मतलब ये पावर प्लेयर, ठीक है, इसमें कौन पावर प्लेयर का मतलब क्या होता है जानते हैं, इतना और इसके बाद इतना छोटा ग्राउंड रहेगा इसमें, इसमें सब लोग फील्डर ऑन रहेगा सब, एक को यहाँ पर 3 गुखाई रहेगा बाकी सब इसमें रहेगा, तो इसमें बहुत उड़ा उड़ा कर मारने का चांसेस रहता है, इसलिए अच्छा एक बॉलर लगाया जाता है अर्शदीप सिंह, 1 और 3 फेंकेंगे हमारे अर्शदीप सिंह, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 2 और 5 फेंकेंगे, अक्षर पटेल यहाँ पर चौथा और छठा फेंकेंगे, यही ओवर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा,
बाकी ये दोनों तो परफेक्ट ओवर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश का ओपनर्स का सामत आने वाला, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। और नहीं तो अगर बांग्लादेश को ओपनर्स को आप लेना चाह रहे अपने टीम में, तो चाहे हर्षदीप चाहे जसप्रीत बुमराह, दोनों में से एक किसी को डाउन करिए, क्योंकि चार ओवर लगातार फेंकवा देना और बांग्लादेश का आप किसी को आउट नहीं करवाना चाहते हैं, भाई लेंगे तो कैसे आउट करवाएंगे, जाहिर सी बात है, तो वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत टीम ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है साला उसमें। हार्दिक 15वां फेंकेंगे, जसप्रीत 16-19वां फेंकेंगे, कुलदीप यहाँ पर 17वां फेंक देंगे और यहाँ पर हर्षदीप 18-20 फेंकेंगे। अब कुलदीप 17वां का मतलब सिर्फ 17वें ओवर ना ही फेंकेंगे, बीचों में जितना यहाँ है ना, जो 6 तक मान लीजिए ये हो गया, अब 15 से ये स्टार्ट हो गया, तो बीचवा में जो 14-13-12 है ना, इसमें सभी लोग मिलकर फेंकेगा। कौन कौन? कुलदीप, अक्षर पटेल, उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपना ये जड्डू है ना, ये लोग मिल करके यहाँ पर डालेंगे। चले आगे, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये सब यूनिक चीज़ें हैं भाई, ये सब जल्दी मिलेगा नहीं आपको। अब देखिए ये भी एक यूनिक है, प्लेयर बैटल, मतलब इसके मतलब कौन किसको आउट करता है। जैसे रहमान साहब को देखिए, मुझे बोल रहमान को यहाँ 41 बॉल 69 रन 2 बार आउट, रोहित को आउट किए हैं। साकिब अल हसन की बात करो, 39 बॉल 39 रन 1 बार आउट किए हुए, ठीक है। सूर्या के लिए कौन है? वही साकिब अल हसन ही है जो आउट करके रखा हुआ है, ओके। इसका भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए फिर से बता दो स्पोर्ट्स बाजी के बारे में, बहुत कमाल का देखिए। यहाँ जैसे है ना, उस समय तो मैं बताया मोटा मोटी कैसे है, ये है वो है, 10 गुना 3 गुना 5 गुना मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो समझिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसमें 5000 कॉइंस आते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, जस्ट लाइक एक डीटी देखे है ना, क्या बोलते उसको, अरे सिलेक्शन परसेंट के ऊपर का नंबर रहता है ना यार, एक जिसमें 100 ही रहता है, 100 बस 100 में ही आपको खर्चा करना है, नंबर नहीं याद आ रहा यार, अरे डीटी बोलते हैं उसको, कहाँ बोलते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट 100 क्रेडिट होता है ना पूरा मिला के ना। अब किसी पर बैट्समैन का 9 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 7, किसी का 6, ऐसे करके सबको मिला करके आपको 100 तक ही खर्चा करना है, 100 के ऊपर आप क्रेडिट खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी वही चीज़ है, 1.2x है ना, यहाँ पर 9.3x 33x है। मान लीजिए जैसे लिखा है क्या, इंडिया विल विन द T20 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, मतलब इंडिया जीत रही है बांग्लादेश से, 99% चांस है कि जीत रही है। तो भाई साहब इसलिए यहाँ पर 1.1x लगा दिया है, ठीक है ना। 1 रुपये लगाएंगे यार तो 12 पैसा और उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। मगर आप यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर लगाते हैं 9 में सीधा, तो जानते हैं कितना मिलेगा 1 रुपये का सीधे 9 रुपये मिल जाएगा, समझे। ऐसा यहाँ पर यस नो करके आप जवाब दे सकते हैं, आपको जो लगता है यहाँ पर। उसके बाद और भी सवाल है, 3 सवाल का एक सेट देखिए आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेट बना करके यहाँ पर देखिए कॉइन्स के लिए आता है, ठीक है ना। जब सेट बनाएंगे ना अपने, तो कॉइन्स जो ये होता है ना, इसमें आप कॉइन्स जितना भी डाल सकते हैं, 500 200 300, मतलब पूरा मिला के 5000 ही खर्च करना पड़ता है। अब 3 सवाल मिला करके आप चाहें तो 5000 खर्च कर सकते हैं। जैसे 2000 का 2 सवाल कर दिए और 1000 का 1 कर दिए, 4000 पूरा हो गया और 5000 पूरा हो गया आपका। अब आप इसी में से चाहें तो 4 सवाल भी जवाब दे सकते हैं, कैसे करके 1500 1500 3000 हो गया ऐसे, मतलब जितना भी आपका मन कर रहे हैं, हम ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना। या 3000 के 1 सवाल कर दिए और उसके बाद 3 सवाल जो है क्या किए, 500 600 करके अपने 5000 खर्चा कर दिए, समझ में आ रहा बात ना। ऐसे करके आप बना लेंगे, उसके बाद एक सेट हो जाएगा आपका। जैसे ये सेट है ना, 4 ठो का सेट हो गया ये, ठीक है, ये हमारा इन्वेस्ट हो चुका है। अब इसका क्या है ना, गूढ़ा हो गई, ये आपका 5000 जो है ना, ये पैसा वैसा नहीं है, ये कॉइन्स है, इस कॉइन्स से ही आपको कॉइन्स मिलेगा। अब इस कॉइन्स के जैसे 9.5 है ना कॉइन्स ना, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन, कैसे 11 प्लेयर में कैप्टन वाइस कैप्टन, क्यों भैया ज़्यादा पॉइंट देगा, डबल पॉइंट देगा कैप्टन, वाइस कैप्टन 1.5 पॉइंट देगा। तो वैसे ये है, 9.5 पॉइंट अगर जा रहा, मान लीजिए आपका रैंक जा रहा है या कॉइन्स जा रहा है, 9.5, 1 का 9.5 मिल रहा है, तो मतलब 1 कॉइन्स खर्च करके आप 9.5 कॉइन्स कमा रहे हैं, इसका मतलब आपका रैंक सबसे ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, खेल के देखिए ट्राई कीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए, 60 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे खेलने भी के लिए, ठीक है। बाकी इसमें से आएंगे तो 1 लीग आपको फ्री भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके देखिए विराट कोहली विल स्कोर 38 और मोर रन्स, बन पाएगा, इसमें भी आप जवाब दे सकते हैं यस और नो का। ऐसे करके 3-4 सवाल 5 सवाल जो भी है अपना एक सेट बना करके इसमें आप ये क्या बोलते हैं लगा सकते हैं आप, ठीक है। लगाने के लिए भी पैसा आपको लगाना नहीं है, बताता हूँ कैसे, बिल्कुल फ्री आपका लगेगा। ये देखिए आप, जैसे आज आपने डाउनलोड किया सुपर 5 के, मतलब 5000 रुपये अगर डिपॉजिट करते हैं आप, तो 10 प्रेडक्टर लीग आपके लिए टिकट जो है ना 500 वाली, सोचने वाली बात है, ठीक है ना, फ्री मिलता है। अब फ्री का चीज़ आप चाहे तो 10 दिन में इस्तेमाल करिए एक एक करके, चाहे तो 20 दिन में इस्तेमाल करिए, एक एक दिन बीच करके मत खेलिए आप, और चाहे तो एक ही मैच में एक ही दिन में 200 टिकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
समझ में आ रहा बात, मतलब 500 वाली लीग 10 गो फ्री मिलने वाला, मतलब 5000 रुपये और आपको मिल गया, 5K है ना और मिल गया, 5000 ही तो है आपका अकाउंट में पड़ा हुआ उसमें स्पोर्ट्स बाजी में, बाकी ये एक्स्ट्रा मिल गया आपके लिए। अब जो यहाँ पर होगा ना अच्छे अच्छे सवाल का अच्छे से जवाब दे करके, ये जो 10000 है उनके पास, सॉरी 5000 रुपये है, इस 5000 से 500000 और 500 लाख रुपये पहुँचा सकते हो, है ना, मगर सही सवाल का जवाब दे दे करके, और खटाखट डिपॉजिट ले सकता है अपने अकाउंट में, विड्रॉ ले सकता है अकाउंट में। तो ये तरीका है खेलने का, हम लोग तो इस पर खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, पैसा कमा रहे हैं, आपको ही बता रहे हैं, आप भी चाहिए तो कमाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, बेझिझक बताइए, ये इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ पर, सब समस्या हल करते हैं हर एक चीज़। उसके बाद देखिए एक दिक्कत आ सकता है कि 5000 हम कहाँ से लगाएंगे भाई, हो सकता है किसी के पास ना हो, बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं, जिसके पास नहीं हो 500 लगाए, सेम वही चीज़ है, 10 को प्रेडिक्टर लीग आपको मिल जाएगा फ्री में 50 रुपये वाली, समझ में आ रहा बात। उसके बाद फिर सुपर है ना, सुपर 50, मतलब 50 रुपये भी कोई लगा सकता है, बहाना किसी के पास नहीं है कि भैया अब इससे कहाँ यार नीचे, 59 रुपये में टीम बन जा रहा है, उसमें एक कैप्टन फ्लॉप हो जा रहा है, ख़त्म हो गया टीम तो, इसमें क्या है आपको उन 85 रुपये में यहाँ पर 5 गो फ्री लीग मिल जा रहा है, प्लस में 10 गो 10 रुपये वाली सोच सकते हैं आप, और 10 का 10x या 2x मान लीजिए होगा, है ना, जो लीग अभी दिखाए थे आपको ना 10 का 2x, मतलब 20 रुपये एक लीग से सोच सकते हैं आप। ई वाला करते हैं तो 500 वाले में 2 लाख या 1 लाख करता ना 1 लाख रुपये एक लीग से। अब इसमें रैंक आपका जितना भी आ रहा है, मैंने रैंक भी बताया हुआ है कि 22% 25% जितना लोग मिलेगा इसमें, तो आप भी उसमें आ सकते हैं, मगर सवाल का सिर्फ जवाब दे करके, कितना अच्छा ऑप्शन है ना, कोई झंझट वाली बात नहीं, कोई पीछ पाच देखने का जरूरत नहीं आपको, ठीक है, तो लगाइए और खेलना स्टार्ट करिए। बाकी बांग्लादेश का ये पॉसिबल लाइनअप देख पा रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये खेलने के लिए आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं तंजीद हसन नाम का एक बैट्समैन है, जिसका एक ही बार चलना है खाली, बाकी 5 बार डुबाना है लोगों को, 0-0 का मतलब खाता भी नहीं खुल पा रहा, और मेरे हिसाब से कल भी खाता नहीं खुलेगा या आज भी खाता नहीं खुलने वाला, ठीक है, एक मैच में 0 है, हालांकि हेड टू हेड हमारे साथ खेले नहीं है, 5% और टीम में लिया हुआ, तो ये तो मान लो अपना हर्षदीप का शिकार एक्ट हो गया, तो हर्षदीप भी कैप्टन के लायक है मान लीजिए, क्योंकि पहला शिकार है, ठीक है, बच गया तो बुमराह गया लेकर के इसको। लिटन दास, दास की बात करें, दास हमारे साथ में 7 मैच खेले, 26 का इनके पास एवरेज है, बाकी 16 10 1 9 36 इनका भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है ना, 27% टीम में लिया ऐसा, मगर दास को हम फिर से इस बार नहीं लेने वाले, जैसे पिछला बार नहीं लिए थे, अब बहुत अच्छा किया था नहीं ले करके, ठीक है, ये ऑल आउट हुआ था। अब देखिए यहाँ पर नजमल हसन, सैंटो को भी मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए ग्राउंड पर ठीक है खेला है, मगर आज उनका सामना होने वाला है बहुत ही धुरंधर टीम से, जो कि हमारी इंडियन टीम है ना, फाड़ू टीम है, फाड़ कर देखिए, ये फिर से नंबर दोहराया जाएगा, किसके लिए, नजमल हसन सैंटो के लिए, 17% और टीम इसलिए लिया है सब, इसलिए मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ इनको भी। साकिबल हसन ये एक देखिए बेहतरीन ऑलराउंडर है, कह सकते लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, 7 मैचों में 6 विकेट भी इनको मिला हुआ है, 127 मैचों में 148 विकेट्स भी लिए हुए हैं, 77% और टीम में लिया भी है सब, एक मतलब बेहतरीन ऑलराउंडर, प्लस में कह सकते हैं बेहतरीन अनुभव, कमी नहीं है भाई साहब, 127 मैच खेलना आसान नहीं होता, हाँ एक मैच यहाँ पर खेले वही 8 रन का एवरेज है, बाकी बॉलिंग शॉलिंग कुछ मिला वाला नहीं है, समझे, तो रिस्क है थोड़ा सा, फिर भी 77% और टीम में लेके जा रहा है सब, 4 मैचों में 5 विकेट है, 3 मैचों में 1 विकेट, मतलब फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा इनको, ठीक है, सेकेंड में मत करिएगा, फर्स्ट में ट्राई कर लीजिएगा, मगर हाँ सेकेंड में अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आता तौहीद हिर्दो, इस बंदे का थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने लायक बनता है मेरे को, एक मैच में देखिए 40 का है, बाकी 29 का एवरेज इनके पास हर समय का है T20 का, मगर 40 9 9 37 40, मतलब ये 2 बार के छोड़ के बाकी 3 बार बंदा चला है, इस बंदे का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है, इसलिए इस बंदे को लेकर चलते हैं, 37% लोग टीम में रखा है इनको। महमदुल्ला की बात करें तो महमदुल्ला 136 में बड़ा खतरनाक अनुभव है, 40 विकेट 7 में, विकेट तो छड़ी घटे गोली मारी इसको, क्योंकि 40 से 136 में कुछ नहीं होता है, मगर 11 मैच में 2 विकेट 185 रन, 20% लोग टीम में लिया है सर, बाकी ये 2 13 पे 0 25 पे 1 20 पे 0 16 नवाज पर जीरो, महमदुल्ला मेरे हिसाब से फिर से वही 20-25 रन का पारी खेलने को तैयार है अपने इंडियन टीम के साथ, है ना, तो महमदुल्ला भी एक तरह से ट्राई किया जा सकता है ना, एक मिनट रोकिएगा इसको थोड़ा सा, महमदुल्ला को रोकिएगा, देखता हूँ इधर से, मेहदी हसन ऑफ ब्रेक है, 49 में 38 विकेट है, 2% और टीम में लिया है सर, 0-0-0 बस बन गया हीरो, तो छोड़ दीजिए हम भी कर दिए हीरो। रिशाद हुसैन इनकी बात करें तो ये 54% टीम में लिया सब, 1 में 2 विकेट लेग ब्रेक है ना, 22 में 24 विकेट, 2 0 3 1 3, चलो ठीक है इस बंदे को लीजिए, ठीक है, तो कितना 2 निकल के अभी आया, ठीक ना, सॉरी यार, तस्कीन अहमद
तस्कीन अहमद की बात करें तो मतलब इस ग्राउंड पे भाई 16-16.5 का इकोनॉमी से कौन रन देता है यार, कितना कुटाई हुआ सोचे ना। एक ओवर में 16.5 रन देना आसान नहीं है। चार मैच खेले हमारे इंडियन टीम के साथ, 2 विकेट्स इनको मिले हुए हैं। 66 मैच में 71 विकेट्स है, 38% टीम में लिया सब, बाकी 2-2-2-1 ग्राउंड पे बेचारा बहुत खतरनाक पिटाया पिछला बार, ठीक है, इसलिए 0 विकेट्स भी है, पिटाई भी ज़्यादा हुआ, मगर है राइट एंड फास्ट। ले लीजिए तस्किन को भी लीजिए। तंजीम साकिब यार बेकार आदमी, ये बहुत बेकार आदमी है। 11 में 13 विकेट है, 6.5 का इकोनॉमी है, 1 में यहाँ पर 0 कोई विकेट नहीं मिला, मगर यहाँ देखें एक बार इसको छोड़िए 0 वाला, तो बाकी 4-1-3-1 53% लोग टीम में लिया हुआ सब। सवाल उठता है कब ये बॉलिंग करते हैं, ठीक है चलिए देखता हूँ, अगर बॉलिंग सही जगह आ रही है ले लूँगा, गलत जगह आएंगे तो नहीं लूँगा। फिर मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, 30 मतलब सब अच्छे अच्छे बॉलर जरा कुटाई हुआ था पिछला बार, ठीक है, बाकी 9 मैचों में 4 विकेट, मुस्तफिजुर का हमारे साथ विकेट उतना नहीं मिला, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो भाई परफॉर्मेंस का कोई कमी नहीं है, 101 मैचों में 127 विकेट्स इनके पास, 7.5 का इकॉनमी, 58% टीम में लिया सब, 6 में 2 विकेट, 3 में 2 विकेट, मुस्तफिजुर को भी हटाइए इस बार। ये बेंच प्लेयर इनके बांग्लादेशी के, ठीक है, सोमिया सरकार वगैरह है, सरपुल इस्लाम अगर आए तो ले लीजिएगा, ओके, बाकी सोमिया को नहीं। उसके बाद स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर की बात करें इसमें, तो यही चीज़ मैं लाना चाह रहा था, मेहदी हसन 1 और 3.5 उठा भैया दम भर तुआ करके, हमारे रोहित और विराट से, तंजीम साकिब दूसरा ओवर करने जाएगा, तस्किन अहमद चौथा कर देगा भाई साहब, मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पर 5वां कर देगा, तंजीम साकिब 6ठा है, तस्किन अहमद ये तो मतलब इधर में कुछ वही नहीं, लोग मतलब घुमा फिरा के फिर बॉलिंग करता, ठीक है। रिशाद हुसैन इसको रख सकते हैं आप, क्योंकि ये डेथ में आ रहा करने के लिए, ठीक है, आप कितना ओवर करेगा, 5वां 15वां 17वां 19वां 20वां कौन करेगा ये तो पता नहीं, मगर लास्ट में करने आ रहा ये हुसैन, इसको ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, रिशाद हुसैन, ओके याद करके ट्राई कर लीजिएगा, बाकी इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए साकिब अल हसन को कौन आउट करता है, यही अपना हर्षदीप, 2 बॉल 0 रन 1 बार आउट यार साकिब कैसे काम चलेगा। उसके बाद ये देखिए टीम के लिए, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री, टीम यहाँ पर दी जाएगी, बिल्कुल वन साइडेड मैच है, एकदम फिक्स कह सकते हैं, एकदम क्या ही बताएं आपको, किस तरीके से बताएं, जैसे कोई रोक ही नहीं सकता आपको, इतना आप जान लीजिए, अलग तरीके का टीम ही बने, क्योंकि आप समझ गए ना पिच क्या है, स्लो पिच है, ठीक है, बॉलर का राज चलेगा, मगर इतना भी बांग्लादेशी बॉलर मैच्योर नहीं है कि हमारे इंडियन बैट्समैन को इतना बेरहमी से आउट कर देंगे, ठीक है। तो भाई कौन है इंडियन बैट्समैन अपना दिखाई दिया मैं आपको, इंडियन बॉलर किसको लेना है बताइए दिया आपको, जो ना देखा वीडियो ध्यान से शॉर्ट देखेगा आधे जिसको पड़ा हुआ है वो जाए और फिर से वीडियो देखें, मेहनत दोगुना हो जाएगा फिर, इसलिए एक ही बार में एक ही वीडियो को ढंग से देखें, और नहीं तो टाइम नहीं है तो मत देखिए उस समय, एकदम खुल्लम खुल्ला है भाई। ये टीम है इसका, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। जीएल ट्रंप प्लेयर की बात करें तो लिटन दास, रोहित शर्मा, रविंदर जडेजा और मेहदी हसन, ये जीएल ट्रंप में आने वाले हैं, इसमें से इन्हीं 2 लोग को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 2 लोग आ सकते हैं इसमें, रविंदर जडेजा और रोहित शर्मा का ये चांस मेरे को लग रहा है, मगर मेरे ऊपर मत जाइए, ये चारों में से आपको ट्राई करना है। अब कैसे करना नहीं आ रहा समझ में, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, करीब में 3 से 4 टीम में बना देने वाला हूँ, क्योंकि आज जीएल चाहिए, क्या चाहिए, आज जीएल चाहिए, लिखा सकता है कमेंट में, अगर आप लिख देंगे तो मान लीजिए अंदर से कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और जब कॉन्फिडेंस आता है ना आदमी काम दबा के करता है, ठीक है, लिखिए आज, उसके बाद तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा आपका कमेंट खाली पढ़ करके, बस सेफ सीमी से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, साकिब अल हसन, ये सेफ सीमी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चांसेस है विराट कोहली को छोड़ करके बाकी सबको क्या है ना बॉलिंग पे ही ज़्यादातर नाज होना है, और होगा भी मेरे हिसाब से, देखिएगा ऑलराउंडर नहीं तो बॉलर, ओके। तो चलिए फिर टीम को यहीं तक छोड़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम पे जरूर मिलिए, वहाँ पर मज़ा आने वाला है इस मैच में, खासकर 3 से 4 टीम दूंगा इतना याद रखिएगा, ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत। इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट पहले, हो गया स्क्रीनशॉट, चले टेलीग्राम पे मिलता हूँ भाई टॉस के बाद, ठीक है, दरारे देखता हूँ भाई दरारे कितनी है और घास कितना है, तब मज़ा आएगा चाइना मैन और ये महमूदुल्लाह को लेने में, ठीक है, ओके बाय बाय।